अगर तुम्हारे पिताजी सीएम बन जाएंगे तो तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। आखिर ये तुमसे सिर्फ शादी ही तो करना चाहती है बेटा, क्यों अपने पिता के लिए इतना त्याग नहीं कर सकते क्या? तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है? अर्धनारी, तुम हमारे समाज का नाम बदनाम कर रही हो। उसने प्यार से बात क्या कर दी, तुम तो उसके सर पे चढ़ गई। तुमने तो उसके बेटे पर ही नजर डाल दी। सुनो, तुम मेरे लिए अपनी इच्छा बदल दो। ठीक है, बदल दी इच्छा। अब शादी नहीं होगी? ठीक है, शादी ना करे, लेकिन मेरी एक इच्छा तो पूरी करेगा ना। वो क्या? बस एक रात मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। पापा। क्या बेटा, अर्धनारीश्वर ने तुम्हारी बात रखते हुए अपना फैसला बदल लिया है ना? अरे एक रात के लिए तू इतना भी नहीं कर सकता है क्या? तू बता, तू अपने बाप को सीएम के रूप में देखना चाहता है या नहीं? अगर तू सच में मेरा बेटा है ना, तो तुझे इस अर्धनारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। ए डार्लिंग, अरे ऐसी हसीन रात बार बार कहाँ आने वाली है? नहीं, बड़ा मजा आएगा आज। अरे राजा, खेल ना मेरे साथ, आ जा। इतना शर्मा क्यों? अरे ठीक है, शुरुआत मैं ही करती हूँ। अरे अब तो मान जा मेरे राजा। बिंदी नहीं मिटी, बाल नहीं बिगड़े, कपड़े खराब नहीं हुए हैं। अभी अभी तो तुम अंदर गई थी और इतनी जल्दी तुम वापस आ गई। मेरे पास भी दिल है साहब, जो मुझे पसंद नहीं करता मैं उसके साथ नहीं रहती, इसीलिए मैंने अपना फैसला बदल लिया है। आप तो सीएम बन के रहोगे और टाइम अच्छा रहा तो पीएम भी बन सकते हो। शाबाश अर्धनारी। सच में तुम बहुत महान हो अर्धनारी, तुम मेरी थैंकफुल टेक्नोलॉजी निकली। अगर तुम अगले जन्म में औरत बनी ना, तो तुम्हारी इच्छा पूरी करके मैं एहसान चुका दूंगा। कैसी बात करते हो साहब। सच में उस अर्धनारी का दिल कितना बड़ा है शास्त्री जी, मुझे पीएम बनने का आशीर्वाद देके गई है। तो बताओ अब आगे की टेक्नोलॉजी क्या है? अरे सारी इच्छा तो पूरी कर चुके हैं, अब बाकी क्या रहेगा? सुरा, शरबत और नृत्य। इनको देख के पता लग रहा है कि इतनी जल्दी उठने वाले नहीं है। अगर ये बात लीक हो गई ना, तो मीडिया वाले इस बात को उछाल देंगे। इमीडिएटली कोई टेक्नोलॉजी करके इन्हें वैन में बिठा के ले जा। ठीक है सर। अपने परिवार को बचाने के लिए तुमने मेरी मदद की है, अब अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस बात को यहीं भूल जाना। अर्धनारी को भूलना मत। चलती हूँ। देखो हमारा जन्म गलत है, लेकिन हमारी बुद्धि नहीं। ये अर्धनारी आपके बेटे को पसंद करती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने आपके बेटे को उठा लिया। मुझे पता है कि प्यार से पूछेंगे तो तुम नहीं बताने वाले। इनको अंदर डाल के 3rd degree यूज करो, देखना कितनी जल्दी सच बाहर निकल के आ जाएगा। यूज फोर्स टेक्नोलॉजी। अरे तुम हम सबको इस तरीके से बार बार डराने की कोशिश करोगे तो हम भी डरने वाले बच्चे नहीं है, हम भी वोट देते हैं। अरे बताना इसको। इस तरह आधी रात को हमें सीक्रेट जगह बुलाकर, हमारी पूजा करके, हमें खूब इज्जत देके, हार पहना के जब हमारे साथ डांस किया था, तभी मैं समझ गई थी कि तुम सब धोखेबाज हो। हाँ, इसीलिए उस दिन वहाँ जो जो हुआ था ना, उसे हमने रिकॉर्ड कर लिया है राजा। अरे हमारी भी यूनियन है, अगर तुमने मैटर को मनमाने ढंग से मीडिया में दिया तो हम लोग तो खाली नाम के लिए बदनाम हैं। असली अर्धनारी फिर तुम्हें बना देंगे, उसके बाद बनना तुम सीएम। अरे बताना इसे। ए, बहुत ज्यादा बोल रही है तू क्या? ए, ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों टेक्नोलॉजी खराब कर रहे हो? इधर आओ।
एक बार पहले ये टेक्नोलॉजी मेरी हालत खराब कर चुकी है। बेटे का क्या है, एक और शादी कर लूंगा तो एक और बेटा हो जाएगा। लेकिन एक बार इज्जत और कुर्सी चली गई ना तो उसे वापस लाने में बहुत बड़ी रिस्क टेक्नोलॉजी है। इस केस को तुम अभी के अभी बंद कर दो। सभी सुनिए, आप लोगों को जबरदस्ती यहाँ पुलिस स्टेशन में बुलवाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप सभी लोग यहाँ से जा सकती हैं। अरे चल रे। लाली 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 लाली, प्यारे से बच्चे को वर देने वाली लाली, राजी नेत्रों से रत्नों की लाली, प्यारे कृष्ण पे सजी मोतियों की लाली, सूझा अब प्यारी लाली। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो ऐसा मत करो, लग जाएगा वो लग जाएगा। चार टीम काम कर रही है सर, उसे किसी भी पल पकड़ लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए सर। या डेफिनेटली सर। सर क्या हुआ सर? चार दिन कहा था और एक सप्ताह हो गया, अब तक मेरे पति को नहीं ढूंढ पाए आप? प्लीज, नए मुख्यमंत्री की मीडिया के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही है, मैं आपके साथ बाद में बात करूंगा, वेट कीजिए। ओके सर, वेट करूंगी, मगर आप मेरी चूड़ियां पहन लीजिए और अपना यूनिफॉर्म मुझे दे दीजिए। यस सर, मैं चूड़ियां निकाल कर देती हूँ, आप यूनिफॉर्म निकाल के दे दीजिए, मैं खुद ढूंढ लूंगी अपने पति को। अगर आप लोग एक पुलिस ऑफिसर को नहीं बचा पाए तो आम जनता को क्या बचाएंगे सर? आप लापता हुए अपने कलीग को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो देशद्रोही और चोरों को कैसे पकड़ेंगे सर? ये लीजिए चूड़ियां पहन लीजिए, चूड़ियां पहन लीजिए सर। ये सब कौन है पता है आपको? आपके खोए हुए पति का पुलिस परिवार, गवर्नमेंट अधिकारियों का परिवार है। ये मैडम कौन है पता है? हमारे मुख्यमंत्री जी की पत्नी है ये। यस, आप सोच रही होंगी कि उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, उन्हें कहीं ले गया होगा, किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी को किसी ने किडनैप किया है। ये बात अगर लोगों को पता चली तो लोगों का गवर्नमेंट और लॉ एंड ऑर्डर से विश्वास उठ जाएगा, इसीलिए इसे डिस्क्लोज नहीं किया। अब पता चला हमें कितनी टेंशन है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे सीएम साहब को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है, सीएम सर का किडनैप हुआ है। सिर्फ सीएम का ही नहीं, बहुत सारे पुलिस वाले, सरकारी नौकरी करने वाले सबका किडनैप हुआ है, उन लोगों में मेरा पति भी है। इन सब बातों को छुपाकर हम सब लोगों को धोखा देने वाला पुलिस वाला है, पुलिस वाला। शिट। मैं आप सबके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद करिए प्लीज, मेरे पति को बचाइए प्लीज। अरे ओ मुख्यमंत्री, आज की ब्रेकिंग न्यूज तुझे पता है क्या? तेरी किडनैपिंग सुनने में बड़ा थ्रिलिंग और मजेदार लग रहा है ना? मैंने अपने लिए कभी नहीं सोचा, हमेशा जनता के लिए ही सोचा, मुझे जाके लोगों की सेवा करनी है, मेरे बिना वो लोग अनाथ हो जाएंगे, कृपा करके मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अरे परेशान क्यों होते हो, इतना तो मैं भी जानती हूँ कि तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम्हें जनता की सेवा करनी है ना, हेल्दी रहना है, इसीलिए ये घास लाई हूँ, लो खाओ। अरे खाना, अरे खाना राजा, देखना कितनी हरी हरी घास है, नहीं खाएगा चल खा। आए हाय, खाते समय बकरा दिख रहा है। खाऊंगा, पूरी घास खाऊंगा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हें एमएलए का पद चाहिए, एमपी का पद चाहिए या मिनिस्टर का पद चाहिए, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज, आखिर तुम्हें क्या चाहिए बोलो। भूल जा, तू मुझे नहीं खरीद पाएगा, अभी तू आराम कर, मैं चलती हूँ।
तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं एक सीएम हूँ। और मैं अर्धनारी हूँ।